चैनल। सो मैंने लाजपत नगर की पूरी डिटेल कलेक्शन वीडियो कर रखी है, तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ पे कैसे शॉप्स हैं और वहाँ पे कैसी कलेक्शन है। तो वहाँ से मैंने अपने लिए भी दो चार चीजें परचेज करी है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है। सो लेट्स है वो है ये स्वेटर जो मैंने वहाँ से लिया है। एंड आप इसका प्राइस सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होंगे, क्योंकि जब मैंने मार्केट में एंट्री करी थी दूसरे वाली साइड से, तो वहाँ पे एक 50 रुपए के स्टॉल लग रखे थे। वहाँ पे हर चीज 50-50 रुपीज का था। मैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस भी इंक्लूड कर दूंगी इस वीडियो में। तो वहाँ पे जितनी भी सारी चीज थे सिर्फ 50 रुपीज की ही थी। तो जो फर्स्ट स्वेटर है वो ये वाला है। इसके ऊपर ऐसे काफी अच्छा सा ये कॉलर बना हुआ है, दिस वन एंड दिस इज दिस स्लीव। एंड यहाँ बैक में इसके ऐसे ये जिपर दिया हुआ है। एंड ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये काफी अच्छा है। ये काफी ज्यादा ऐसे थिक टाइप का नहीं है, थिन है। एंड ये मैंने लेयरिंग के पर्पज से ही लिया है। एंड 50 रुपीज में, ओ माई गॉड, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो वो जो 50 रुपीज वाला स्टॉल था ना, उनके पास काफी अच्छे कलेक्शन थे। लाइक मैंने वहाँ पे एक शीन वाला, लाइक डिट्टो शीन वाला स्वेटर देखा था, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद था, बट मैंने परचेज नहीं किया, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा जो फैब्रिक था वो व्हाइट था, तो थोड़ा ना वो ट्रांसपेरेंट सा था, तो मुझे उसके लिए अंदर और भी कुछ वेयर करना पड़ता, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिया नहीं। उसकी जगह मैंने ये वाला स्वेटर लिया। उनके पास सिर्फ 50 रुपीज में सारे स्वेटर थे, लाइक बहुत अच्छे ब्रांडेड वाले सारे स्वेटर सिर्फ 50 रुपीज में थे। नाउ मूविंग ऑन, कलेक्शन वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी, शॉप नंबर 26। ये बेसमेंट में एक शॉप थी और उनके पास जितनी भी कलेक्शन थी, चाहे वो विंटर के कोट हो, स्वेटशर्ट हो, या फिर कार्डिगन हो, से लेके समर वाले जितने भी टॉप हो, क्रॉप टॉप हो, शर्ट हो, काफ्तान हो, ड्रेसेस हो, उनके पास जितनी भी कलेक्शन थे ना, सिर्फ 150 रुपीज की थी। आई डोंट नो वो क्यों 150 रुपीज की सब कुछ दे रहे थे, उनके पास सब कुछ था सिर्फ 150 रुपीज में, ठीक है। तो वहां से मैंने ना अपने लिए तीन चीजें ली हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज मैंने वहां से ली है वो है ये डाई वाला टॉप। लाइक जस्ट सी, ये काफी ज्यादा अच्छा है। पता नहीं ये कैमरे पर दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये काफी अच्छा टी शर्ट है ये वाला। ये थोड़ा डाई वाला है, अगर आपको पता हो तो। डाई वाले जो टी शर्ट होते हैं ना, वो थोड़े से ना महंगे आते हैं, बिकॉज आई डोंट नो, डाई वाले होते इसीलिए। और उनके पास डाई वाले जो ये टी शर्ट है ना, उनके साथ काफी सारे ऑप्शन थे उनके पास। तो वहां से मैंने ये टी शर्ट लिया। ये बिल्कुल फ्रेश है, नॉट अ रिजेक्टेड या डिफेक्टेड या एक्सपोर्ट का ऐसे माल, वैसा वाला नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि अभी दिल्ली की थोड़ी सी हल्की सर्दी है, चेंज हो रही है, गर्मी सर्दी हो रही है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये उसके अकॉर्डिंग ये वाला लिया है। फुल स्लीव्स का है ये, काफी अच्छा टी शर्ट है ये, 150 रुपीज का था। फिर वहां से मैंने एक अपने भाई के लिए स्वेट शर्ट लिया है, दिस स्वेट शर्ट। ये भी काफी अच्छा है ये, मतलब मैंने जितनी भी चीजें ली है ना, वो ज्यादा थिक नहीं लिया है, क्योंकि अपना मौसम काफी चेंज हो रहा है और मुझे ऐसे थिक वाली चीजों की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कोट भी थे जो कि काफी अच्छे थे, लाइक लॉन्ग वाले कोट, बट ऑब्वियसली मुझे अभी वो चाहिए नहीं तो मैंने नहीं देखे। बट वहाँ पे काफ्तान टॉप, ड्रेसेस, स्ट्राइप लाइन ड्रेसेस भी थी उनके पास, सिर्फ 150 रुपीज। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे वहाँ पे मिल रही थी। बट फिर मैंने ये लिया है, ये मेरे ब्रदर के लिए है, दिस वन। एंड थर्ड थिंग इज दिस इनर गारमेंट। इसके ऊपर ना टैग लगा हुआ है, हाँ, इसके ऊपर $28 का टैग लगा हुआ है। I don't know it's visible or not. ये काफी अच्छा seamless material है ये, and this one is in nude color. बहुत अच्छा fabric है इसका, like बहुत बहुत ज्यादा ये body hugging है, and इसका fabric बहुत अच्छा है, बिल्कुल soft सा है। So ये अगर spaghetti top की तरह भी इसको हम पहन सकते हैं। So this one, and I am very 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 much satisfied with the collection. पता नहीं मुझे ऐसा लगा क्या कि जो लाजपत नगर है ना, वो काफी ज्यादा underrated है। Like सरोजनी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे काफी ज्यादा कलेक्शन होती है, नो डाउट, और उनके प्राइस रेंज भी काफी अच्छे होते हैं। बट यार लाजपत नगर ना काफी ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, सिर्फ ऐसे वेस्टर्न वेयर वाले नहीं, वहाँ आपको बोहो लुक्स भी मिल जाएंगे, बोहो कुर्तीज वगैरह, पार्टी वेयर जितने भी होते हैं ना, लाइक लहंगे मिल जाएंगे, काफी पार्टी वेयर जो ड्रेसेस होते हैं, गाउन वगैरह, वहाँ पे उनके भी ऑप्शन थे। अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक स्टॉल भी शो किया था, लहंगे वाला स्टॉल। उनके पास इतने ज्यादा अच्छे लहंगे के कलेक्शन थे, मोस्टली उनके पास पेस्टल कलर के थे, उनके पास काफी हैवी वाले भी थे, एंड उनके पास थोड़े से सिंपल, थोड़े क्लासी टाइप के, जो मोस्टली गर्ल्स प्रेफर करती हैं, वैसे भी थे। सो आप उस वीडियो को जरूर चेक करें, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं
तो मैं कहूंगी कि आपको लाजपत नगर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ओह माय गॉड वहां पे इतने ज्यादा अच्छे कलेक्शन है, नो डाउट। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मैंने उस मार्केट को एक्सप्लोर किया एंड वहां पे मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट परचेज जो मैंने वहां से किया था। लेट्स सी, तो वहां पे ना एक शॉप मैंने दिखाई थी जहाँ पे मैंने 100 रुपीज के दिखाए थे, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैंने एक रेड कलर का स्वेट शर्ट देखा था, वो लॉन्ग वाला जो ना थोड़े फॉरनर जो स्कूल के फुटबॉल टीम के जो स्वेट शर्ट टाइप के नहीं होते, थोड़े एस्थेटिक टाइप के, तो वैसे वाले स्वेट शर्ट थे, ठीक है। तो वो थे उनके पास 100 रुपीज के थे सारी चीजें नहीं, उनके पास अलग अलग रेंज की थी। जो मैंने ली हैं चीजें वो सिर्फ 100 रुपीज वाली हैं। तो जो फर्स्ट वन इज दिस स्पेगेटी टॉप, लाइक ये सीमलेस है, सेम उसी का, दोनों का ब्रांड भी सेम है, कॉल्स ब्रांड है, इसके ऊपर भी इसका टैग लगा हुआ है। इसका प्राइस लिखा हुआ है इस पर $12। ओके, सो ये वाला भी सेम सीमलेस है, बट ये 100 रुपीज का मिला है, एंड वो न्यूड वाला जो है वो मुझे 150 का मिला है, बिकॉज मैंने पूरा मार्केट देखा, वहां पे ना डिफरेंट कलर्स थे लेकिन ना न्यूड वाला कलर नहीं था, सो दैट्स व्हाई वो शायद 150 का था। सो ये वाला है, ये 100 रुपीज का है, एंड इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसको आप टॉप की तरह भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज जो इसके पीछे की ऐसी लाइनिंग दी हुई है ना, ये वैसे इनर गारमेंट की तरह नहीं लग रही है, लाइक सी ये। और इसको ना मैंने जो टर्टल नेक होता है ना, वाइट टर्टल नेक के साथ पेयर किया था, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये बॉडी हगिंग है एंड ये बहुत ही ऐसे सॉफ्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा था। सो फर्स्ट वन इज दिस वन, ये भी 100 रुपीज का था। देन आई गॉट दिस वेरी 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 ब्यूटिफुल टर्टल नेक, लाइक सी, पता है वैसे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे वाइट कलर के टर्टल नेक, बट ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ ये 100 रुपीज का फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक वो लाइट एंड ट्रांसपेरेंट सा नहीं है, इसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारी लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये इतना सीमलेस नहीं है, ये काफ़ी अच्छा थिक इसका फैब्रिक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इसको काफ़ी लेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारे कपड़ों के साथ लेयरिंग के पर्पज़ के लिए, बट अभी तो थोड़ी ठंडी जा रही है, नेक्स्ट ईयर। एंड हाँ, इसकी ना एक और अच्छी चीज़ थी, ये इसकी जो स्लीव्स है ना, लाइक यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा सा ये पफी सा जो भी है ऐसा सा बना हुआ है, तो ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। सो दिस वॉज ऑल्सो फॉर 100 रुपीज, दैट वॉज फॉर ऑल्सो 100 रुपीज। एंड हाँ, वहाँ से मैंने एक और टी शर्ट ली थी जो कि मैंने अभी पहन रखी है, ये वाली। ओ ये पता है, जब मतलब मैंने वहाँ से देख लिया था, मुझे कुछ नहीं लेना था, वैसे तो मुझे वो रेड वाली स्वेट शर्ट पसंद आ गई थी, बट मेरी मम्मा ने नहीं लेने दिया बिकॉज अभी ठंडी जा रही है, सो मैंने ये वाला लिया है। मोस्टली जो ये टी शर्ट है ना, मैंने फुल स्लीव्स में लिए हैं बिकॉज अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके पर्पस के लिए। एंड ये वाला टी शर्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई नो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना बेसिक सी हैं, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ ड्रेसेस वगैरह नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ें ही चाहिए थी, सो मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैंने ना एक वहाँ पे एक शॉप थी वस्त्र, ठीक है, उसके ना नीचे वहाँ पे सिर्फ वो फैब्रिक की शॉप थी, उनके पास ना मीटर के फैब्रिक थे, चाहे पार्टी वेयर के लिए आपको लेने हो फैब्रिक, चाहे सिंपल वेयर के लिए लेना हो किसी मेहंदी सेरेमनी के लिए या किसी शादी के लिए या कोई भी फंक्शन के लिए, तो उनके पास हर टाइप के मतलब जो फैब्रिक है ना, सारे फैब्रिक थे मीटर के रेंज में, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे बिकॉज उनकी क्वालिटी अच्छी थी। एंड उन्होंने ना अपने मतलब शॉप के ना बाहर ऐसे जो 1 मीटर या 2 मीटर के कपड़े बच जाते हैं ना, तो वो सेल कर रहे थे वो कम प्राइसेस पे, तो वहाँ पे 50-100 सबकी रेंज के उनके पास फैब्रिक थे। तो वहाँ से मैंने एक ये दुपट्टा लिया, एक्चुअली ना ये दुपट्टा नहीं है, इसका ना जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है, दुपट्टा के लेंथ का नहीं है ये, अराउंड 2.5 और 3 मीटर का है, ये डबल हो रखा है अभी, ठीक है। सो ये वाला है, एंड ये काफ़ी अच्छा है, इसका मटीरियल पता नहीं, इसका मटीरियल मुझे पता नहीं, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे तार का काम या पारी का काम समथिंग कुछ कहते हैं उसको, मैं अपनी मम्मा से पूछ के मेंशन कर दूंगी। तो ये है, एंड ये सिर्फ 20 रुपीज का था, लाइक इतना बड़ा है ये, मतलब इतना बड़ा है ये, ठीक है, और ये सिर्फ 20 रुपीज का था, सिर्फ 20, आई डोंट नो कैसे उन्होंने दे दिया 20 का। तो ऐसा ना हमने दो ले लिया, ठीक है, अब इसको हम किसी भी चीज़ के लिए यूज करेंगे, सो दिस वॉज फॉर 20। एंड एक और है सेम यही कलर में लिया है मैंने, तो 20 का, तो 20-40 का ये हो गया। देन वहाँ पर जब मैं जब वो मार्केट है ना, मार्केट में ना एक तो पूरा लाजपत नगर मार्केट है, ठीक है, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर टाइप की चीज़ें जो भी आपको लेनी है, बहुत सारी शॉप्स हैं, हर स्टॉल से लेके शॉप्स तक है। मैं मंडे को गई थी
तो मंडे के दिन पता है क्या होता है कि शॉप जो होती है ना वो बंद होती है, तो जो स्टॉल वाले होते हैं ना उनको चांस मिल जाता है अपना लगाने का, तो वो थोड़े ना कम प्राइसेस पे अपनी चीजों को सेल कर रहे होते हैं, ऐसे 50 का 50 का 100 का 100 का 100 का ऐसे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जब मैं मार्केट से निकल गई तो मार्केट के बाहर जहाँ पे कार वार वगैरह लगी हुई होती है ना, जहाँ से आप ऑटो वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर भी ना आपको कुछ शॉप्स दिखेंगे और कुछ स्टॉल दिखेंगे, तो आप ना उनको भी ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ना अंदर वाले मार्केट के कंपेयर में बाहर वालों को ना थोड़े कम जो कस्टमर्स मिलते हैं, तो उनके पास थोड़े कलेक्शन के ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं एंड थोड़ा प्राइस भी उनका कम होता है। तो वहाँ पर एक ये कैप वाले भैया थे, उनके पास काफ़ी सारे कैप थे, लाइक वो एनिमल वाले जो होते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, वैसे वाले कैप्स भी थे एंड ये वाले भी थे, एंड ये सिर्फ 100 रुपीज़ का था। जब मैं मार्केट में एंट्री करी थी मैंने, तो स्टार्टिंग में मेरे को एक स्टॉल दिखी थी ऐसे कैप वगैरह वाली, विंटर कैप वाली, उनके पास 200, 300, 150 के थे, ठीक है, और ना वो बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, मतलब बार्गेन तो ना के बराबर था। हाँ, लाजपत नगर में ना थोड़ा बार्गेन नहीं कर पाएंगे आप, जो फिक्स स्टॉल है वो तो मिल जाएंगे आपको 50-100, एंड वहाँ पे 20 रुपीज़ के भी थे। ओ माय गॉड, वो तो बताना मैं भूल ही गई, सिर्फ 20 रुपीज़ वाला मैंने एक शॉप देखा, वो अंकल ना सिर्फ 20 के बेचते थे, 20 के भी नहीं, 100 के 4, 100 के 4, 100 के 4, मत नहीं नहीं 20 नहीं 25 का, ओह सॉरी, ठीक है, वो 25 का वन पीस था एंड 100 के मतलब 4 थे उनके पास, एंड ना आपको ना उसमें ढूंढ के लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल ना बांध के रखते ना, तो उनका जो होता ना उनके ऊपर थोड़े से ऐसे दाग धब्बे से लग जाते हैं या मिट्टी वगैरह लग जाती है, बट उनके पास भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जा रही थी। ठीक है, सो आप मेरे कलेक्शन वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, नाउ तो ये मैंने लिया था कैप वो बाहर वाली शॉप से, ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ा एंड ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर ये ऐसे वुलन वाले ये फर टाइप का लगा हुआ है, तो ये वाला कैप भी काफ़ी अच्छा था, ये सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला था। देन मैंने इस मार्केट से सिर्फ यही लिया था, उसके बाद लास्ट में मैंने एक शूज़ लिया था अपनी मम्मा के लिए, वो मैं अभी इसकी पिक्चर इंक्लूड कर दूंगी, बिकॉज उसको ना थोड़ा यूज़ कर लिया था, वो थोड़ा गंदा सा हो गया है। सो बस यही था मार्केट का, यही सारा मेरा कलेक्शन था। उसके बाद मैंने ना छोटे से एयरिंग्स लिए हैं, छोटे वाले बिल्कुल, वो 20 रुपीज़ के, वहाँ पे एयरिंग के भी स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लाइक सिल्वर एयरिंग के, जंग ज्वेलरीज़ के, लाइक चोकर वगैरह काफ़ी अच्छे थे, जो कि कुछ कलेक्शन जो काफ़ी न्यू है, जो भी सरोजनी में भी नहीं आए थे वो वहाँ पर थे, एंड वहाँ पे ना थोड़े एमरल्ड लाइक वो जो स्टोन वाले एयरिंग भी थे। जो फर्स्ट लेन थी ना वहाँ जहाँ पे वस्त्र वाली शॉप थी, उसके बाद जितनी भी शॉप अंदर जा रही थी ना वो फर्स्ट लेन कहा है मैंने उनको, ठीक है, वो वस्त्र वाली शॉप से लेके एंड तक की जहाँ से सेकंड लेन स्टार्ट हुआ है, तो उस वाली लेन में ना वहाँ पे मैंने ना कुछ सनग्लासेस एंड ये स्पेक्स वाली जो स्पेक्स के फ्रेम्स होते हैं ना वहाँ पे उनके ये वाली स्पेक्स एंड फ्रेम्स की मैंने शॉप देखी थी, उनके पास काफ़ी अच्छे जो होते हैं ना ये सनग्लासेस थे, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के भी, एंड वो काफ़ी ट्रेंडी से जो ऑनलाइन मिलते हैं ना या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, उनके पास वैसे सनग्लासेस थे एंड उनके पास कुछ फ्रेम्स भी थे, तो वहाँ से मैंने ये वाला फ्रेम लिया, ये हेक्सागोनल शेप है इसकी, ठीक है, तो इसका प्राइस उन्होंने 150, हाँ उन्होंने ये 150 का दिया, वो बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, ये 150 से बिल्कुल कम ही नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट वाला मैंने ये लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने लेंस कार्ड से भी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के जो स्पेक्स लिए हैं अपने लिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, बट ये वाला 150 रुपीज़ का है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन, एंड जो सेकेंड वन है ना ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक सेम ये वाले जो है ना मैंने सनग्लासेस अमेजोन पे देखे हैं, एंड जो मैंने फर्स्ट ना पहले रेड कलर का लिया था, ठीक है, मुझे रेड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था, सेम यही वाला रेड कलर में लिया था मैंने, बट ना वो मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था एंड उसका प्राइस अमेजोन पे 600 रुपीज़ है। देन उसके बाद मैंने फिर ये येलो वाला ले लिया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डस्ट आ रखा है, मैंने क्लीन नहीं कर रखा, लाइक सेम यही चीज़ है अमेजोन पे, एंड वो 500 के, येलो वाला 500 का एंड रेड वाला वहाँ पे 600 का है, हाँ 600 का ही है शायद, ठीक है, सो सी ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम इन लव विद दिस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड सी पता नहीं है मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, आई नो मैं थोड़ी कार्टून लग रही होंगी इसको लगा के, बट ये काफ़ी अच्छा है यार, एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने लिया, क्यों जब मैं पहनने वाली नहीं हूँ, बट ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो इसी के साथ ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, एंड नाउ दिस वॉज द लास्ट, ओके सो दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर और आपको पता है मैंने ये पूरी वीडियो ना पूरे एक ही बार में मतलब पूरी एक साथ ही रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए,
मुझे लाजपत नगर काफी ज्यादा अंडररेटेड लगा, क्योंकि इतना लोग नाम नहीं लेते लाजपत नगर का जितना वो सरोजनी का लेते हैं। नो डाउट सरोजनी इज द बेस्ट, लाइक बेस्ट एंड बेस्ट, बट यार लाजपत नगर भी काफी अच्छा है। एंड वहाँ पे ना दो ऑप्शन है, आपको वेस्टर्न के भी मिल जाएंगे, इंडियन के भी मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल टाइप के वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। सो आपको लाजपत नगर जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई हॉल वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप कैसी वीडियो देखना है। लास्ट में ऐड कर रही हूँ, सॉरी मैं थोड़ा वीडियो को ज्यादा खींच रही हूँ, सॉरी, बट एक चीज़ है कि ये वीडियो जो मैंने भी बनाई है या फिर जितनी भी मेरे मतलब चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे कलेक्शन वीडियो, ये जस्ट मैं वीडियोस जो बनाती हूँ जब भी मैं कोई मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ तो उसकी कलेक्शन वीडियो है। लाइक मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पे कैसे कलेक्शन दिखे, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे, एंड मुझे कलेक्शन कैसे लगे, ये सारी चीज़ें वो हैं। इट डजेंट मीन कि मैं चीज़ों को सेल करती हूँ। लाइक मुझे सारे क्वेश्चंस लोग ये पूछते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे लिए ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोग ये पूछते हैं कि मुझे ये जीन्स चाहिए, आप मुझे पार्सल करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं पार्सल नहीं करती, ना मैं कोरियर करती हूँ। मैं जस्ट वीडियो बनाती हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मार्केट को, वहाँ की आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि अच्छा ये मार्केट है, यहाँ पे ऐसी कलेक्शन मिलती है, आपको क्या क्या मिल जाएगा किस प्राइस रेंज में। हाँ, सरोजनी नगर में ये होता है कि कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ऑनलाइन भी मतलब अपना शॉप रखते हैं, उनके पास इंस्टाग्राम स्टोर्स भी हैं जहाँ से वो सेल करते हैं ऑनलाइन चीज़ों को। तो जिनके मुझे नंबर पता होते हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, बट लाजपत नगर में ऐसा नहीं होता कि वो ऑनलाइन जो होता है ऑनलाइन सेल नहीं करते, वो वहाँ पर आप फिजिकली वहाँ मार्केट को विजिट करिए और वहाँ से आप कलेक्शन जो भी आपको जो भी चीज़ें पसंद आती है वहाँ से ले सकते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन स्टोर उनका नहीं होता। सरोजनी नगर का होता है तो वो मैं अपनी वीडियो में मैं डाल देती हूँ, ठीक है। So thank you, that was all about the video, thank you so much for watching and please comment कि आपको ये video कैसा लगा and what kind of content do you want to see in the future. So thank you so much for watching, till then take care, bye bye.